Hi, I am making this video only for my batch students of May 2024, जिन्होंने ऑलरेडी हमारा मई जून 24 का बैच सब्सक्राइब किया हुआ है. बल्क में ये क्वेरी आ रही थी, सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो एंड यू नो सर्कुलेट इट एवरीवेयर. द क्वेश्चन इज दैट राइट नाउ वी आर रनिंग अ लाइव बैच विच इज ऑफ डिसम्बर 23. सो शुड यू you know continue in that or should you wait for your life or should you watch recording? Let me first answer this. December 23 and May 24 have around 70% course in common, right? बाकी का इसलिए नहीं बोला क्योंकि लॉ में और इकोनॉमिक्स में काफी अमेंडमेंट आया है. अकाउंट्स में स्पेशल ट्रांजेक्शन वाली आप क्लासेस ना करें, वो अभी चल भी नहीं रही है. तो डिसम्बर 23 में स्पेशल ट्रांजेक्शन हटा करके बाकी सारी चीजें कॉमन है. तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कोर्स में जाइए. कोर्स के साइड में आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है, अकाउंट्स में पिकअप कर लेती हूँ. तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं या फिर लॉ में अब तक जितनी भी लाइव क्लासेस हो चुकी हैं हमारे शेड्यूल के हिसाब से, उसकी रिकॉर्डिंग दी हुई है. तो आप वो वन बाय वन देखना शुरू कर सकते हैं. ऐसे अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 1 सेम है, लॉ में चैप्टर नंबर 1 डिफरेंट है, इकोनॉमिक्स में सब सेम है. तो लॉ में चैप्टर नंबर 1 वैसे भी मैंने अपलोड कर दिया है, स्टिल आप मुझ पर भरोसा करिए, आप कॉमन टॉपिक्स को करना शुरू कर दीजिए रिकॉर्डेड. और आप चाहे तो लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अभी भी बैच ज्वाइन किया है, लाइव ज्वाइन करते हैं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है. तो ये एक ऑप्शन हो गया. इसके बाद जैसे ही डिसंबर 23 का बैच हमारा खत्म होगा, मई 24 का जो बैच स्टार्ट होगा, उसमें हम जो नॉन कॉमन टॉपिक है वो पढ़ाना शुरू करेंगे. तो अगर आप बैच ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? लाइव नहीं भी ज्वाइन करना है तो एटलीस्ट रिकॉर्डेड सेशंस स्टार्ट कर लीजिए, और जिस तरीके से मैंने बताया आप वही करिए. अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि और क्या फैसिलिटीज़ है. कुछ बच्चे तो फैसिलिटीज़ सुनने के बाद ज्वाइन करते हैं, कुछ बच्चे पहले ही सब्सक्राइब कर लेते हैं. तो आपको अपने मई 2024 के कोर्स में, हमारे कोर्स में, हर एक सब्जेक्ट का डाउट फोरम मिला हुआ है. हर एक सब्जेक्ट का डाउट फोरम का मतलब है कि आपके अकाउंट्स की, लॉ की, इकोनॉमिक्स की जितनी भी डाउट्स आती हैं, मैथ्स की जितनी भी डाउट्स आती हैं, वो आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं. हमारी डाउट सॉल्विंग टीम दिन में 2 बार क्वेश्चंस का रिप्लाई करती है, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ PDF, इन द फॉर्म ऑफ इमेज, ऑडियो नोट्स एटसेट्रा. तो इस तरीके से आप डाउट्स भी अपने सॉल्व करवा सकते हैं जून 2024 एग्जाम तक. अगर आप हमारे जून 24 के स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, कोई और आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको बैच में आगे बढ़ना है. मई 24 में काफ़ी टाइम है, बट आप अभी से यही करें कि आप कॉमन टॉपिक्स जो लाइव चल रही है और जिसकी रिकॉर्डिंग है वो करना शुरू करें, और आपकी बहुत जल्द मई 24 की नॉन कॉमन टॉपिक्स जो कि कम है 20-30%, वो स्टार्ट हो जाएगा. पैटर्न सेम है, स्टेप मार्किंग सेम है, प्रेजेंटेशन सेम है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट सेम है, BCRBC के सिर्फ रिमूव हुआ है, अकाउंट्स में स्पेशल ट्रांजेक्शन रिमूव हुआ है. अगर जानना चाहते हो क्या चेंजेस आए हैं तो इसी चैनल पर जाओ. मैंने जिस दिन न्यू स्कीम लॉन्च हुई थी, CA फाउंडेशन की नोटिफिकेशन ऑफिशियल पब्लिश हुई थी, उस दिन मैंने डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज न्यू स्कीम के सिलेबस का एक डिस्क्रिप्शन दिया था, पूरा एलैबोरेट किया था, डिस्कस किया था. तो वो वीडियो भी देख सकते हो. बहुत जल्द उस वीडियो को मैं अपने कोर्स में डलवा देती हूँ, ठीक है? कोई और डाउट है तो आप व्हाट्सएप टीम पे पूछ सकते हो, कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. मेरा रोज ये वाला टाइम होता है, मैं कमेंट सेक्शन देखती हूँ, उसको रिप्लाई करती हूँ, उनके ऊपर वीडियोज़ बनाती हूँ. ऑल द बेस्ट.